So, आज हम बात करने जा रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड्स एट अ ग्लैंस। हम अब्राहम अकॉर्ड्स में क्या डिस्कस करेंगे? वी विल फॉलो द रेगुलर मेथड ऑफ डिस्कशन एंड दैट इज द आउटलाइन मेथड। मैं आपको हर क्लास में इस बात के ऊपर थोड़ा सा जोर देता हूँ कि ना आप इन आउटलाइंस को थोड़ा सा ना एक सीरियस मैनर में फॉलो किया करें। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप इस पैटर्न को सीख रहे हैं जो कि मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ एज टू हाउ अ टॉपिक कैन बी प्रिपेयर्ड एंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और आउटलाइन बेसिकली आपको इस टॉपिक के बारे में जो वेरियस फैसेट्स हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू देती है कि वेदर और नॉट दैट पर्टिकुलर टॉपिक हैज बीन प्रिपेयर्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड बियॉन्ड द एक्सेप्टेड लिमिट्स और वॉट एवर। सो हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम टचअप करेंगे, फॉलोड बाय व्हाट आर अब्राहम अकॉर्ड्स इन फर्स्ट प्लेस, देन वी विल टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स। हमने जैसे बात की है कि जो करंट और पाकिस्तान अफेयर्स के इशूज हैं उनमें इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट इन विच समथिंग हैज बीन हैपनिंग बिकॉज ऑल दीज डेवलपमेंट्स हैव सर्टेन रूट्स एंड विदाउट एक्चुअली एनालाइजिंग दोज रूट्स आई पर्सनली डोंट थिंक वी विल बी एबल टू रीच एनी कंक्लूजन रिलेटेड टू अवर डिबेट ऑफ दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। फॉलोड बाई दिस वी विल टॉक अबाउट एनालिसिस ऑफ द एग्रीमेंट्स। और आज के टॉपिक में ना आपको थोड़ा सा एनालिसिस के ऊपर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। हमने बात की थी सेशन की शुरुआत में कि हम एक क्लास लेंगे प्रॉपर ये जो हमारी स्किल्स हैं उनके सीखने के ऊपर। तो एक दो कुछ टॉपिक्स करने के बाद हम डेफिनेटली एक एनालिसिस के ऊपर क्लास लेंगे कि ये एनालिसिस है क्या, होती कैसे है, और उसको इम्प्रोवाइज करने की जो फर्दर स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या है। उसके बाद हम इस अकॉर्ड की जो है वो इम्प्लीकेशंस को देखेंगे, फ्यूचर क्या है फिलिस्तीनियन कॉज का, जब इतने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमें इसराइल की नॉर्मलाइजेशन नजर आती है, रिकॉग्निशन हैज बीन एक्सटेंडेड टू इसराइल बाय एवरी अदर गल्फ स्टेट इन द रीजन, तो इसके क्या फिर इम्प्लीकेशंस होते हैं, व्हाट कैन बी द फ्यूचर आउटलुक, यहाँ पे हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद वाली क्लास में हम ब्रॉडर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन अ मैनर के अरब इसराइल टाइज implications and future। उसमें फिर हम जो दीगर अरब ममालिक हैं जैसे किंगडम ऑफ इजिप्ट है, सॉरी जैसे किंगडम ऑफ जॉर्डन है, जैसे इजिप्ट है, इन ममालिक ने इसराइल को क्यों नॉर्मलाइज किया, उनका नॉर्मलाइज कराना कैसे डिफरेंट था एज कम्पेयर टू द नॉर्मलाइजेशन दैट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लेट्स से द कंट्रीज लाइक यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को एटसेट्रा। और काफी ममालिक हैं जिनकी लेट्स से इम्प्लिसिट जो है वो रिकॉग्निशन है स्टेट ऑफ इसराइल को, दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ द डिबेट। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी आप एक टॉपिक प्रिपेयर करें ना तो आपकी उससे सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस से मुराद बेसिकली क्या है कि ये जो टॉपिक है ये पढ़ने के बाद बेसिकली आपकी अप्रोच क्या होगी, व्हाट यू आर गोइंग टू गेन एट द एंड ऑफ द डे। ये जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं करेंगे ना आप कोई भी टॉपिक डिटेल मैनर में नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे और आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा या आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं पता चलेगा कि एज टू व्हाई यू रेड दिस टॉपिक इन फर्स्ट प्लेस, व्हाट पर्पस दिस पर्टिकुलर टॉपिक डस सर्व एट द एंड ऑफ द डे। सो फॉर एग्जाम्पल इस डिस्कशन के बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सवाल आपको आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द अब्राहम अकॉर्ड्स इज एन इनविटेशन टू रीथिंक द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, इलैबोरेट। जैसे मैंने शुरू में बात की कि दिस इज अ सीरियस एफर्ट टू रिप्लेस अरब इजराइली कॉन्फ्लिक्ट विद द अरब इरानियन कॉन्फ्लिक्ट, यू कैन ऑल्सो एनालाइज दैट साइड ऑफ द डिबेट एज वेल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो क्लास में डिस्कशन करते हैं ना दैट इज अ बिट होलिस्टिक, हम क्लास में करते हैं हर एंगल से एक चीज को डिस्कस। जब पेपर में आपसे चीज पूछी जाती है ना तो वो फिर एक खास पर्टिकुलर एंगल से आपसे पूछा जाता है, जैसे इस पूरे टॉपिक में हो सकता है कि आपसे ये एंगल पूछा जाए। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वुड बी योर सिचुएशन कि आप फिर इस चीज को कैसे डील करेंगे। हाउ द अब्राहम अकॉर्ड माइट इम्पैक्ट द मिडल ईस्ट, मैंने इस सवाल को थोड़ा सा जनरलाइज करके रखा है कि चलें कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सारी डिबेट नहीं है, उन्होंने सुनी ही पहली बार है तो उनको भी थोड़ा सा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मिल जाए। इरान एंड द फिलिस्तीनियंस लूज आउट इन द अब्राहम अकॉर्ड्स डिस्कस, क्रिटिकली इवैल्यूएट द अब्राहम अकॉर्ड्स एंड द फिलिस्तीन इशू, यानी कि अब फिलिस्तीन इशू का जो फ्यूचर है वो क्या है, पर्टिकुलरली व्हेन द अरब वर्ल्ड एंड द गल्फ कंट्रीज आर हेल बेंट ऑन रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट ऑफ इसराइल, जो कि अदरवाइज जो है नहीं करना चाहिए।